नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, बेसिकली सर्कल का क्वेश्चन है ना. क्या बोल रहा है, इफ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन है ठीक है, इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है वाई सब, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ओके, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल, उसके परपेंडिकुलर है किसके, इस सर्कल की टेंजेंट की जो कि इस पॉइंट पे खींची गई, तो ये तो मैं खींच सकता हूँ, यहाँ से मेरे को स्लोप मिल जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ c अननोन बचेगा ठीक है. c निकालना बहुत आसान है, c निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, इसके सेंटर से इसे परपेंडिकुलर डाल दो, इसकी रेडियस के बराबर कर दो, c आ जाएगा बस ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ये जो बाद वाली कंडीशन दी हुई है ये स्लोप के लिए दी हुई है, किसकी स्लोप के लिए, इसकी स्लोप के लिए, अरे इसकी पर ये वाली जो लाइन है वो इसकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो पहले तो इसकी टेंजेंट निकाल लो, इसकी टेंजेंट तो मैं डायरेक्टली t बराबर जीरो से निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वन बाय रूट टू एक्स प्लस वन बाय रूट टू वाई स्क्वायर की जगह वाई बाय वन इज इक्वल टू सी की जगह सी ठीक है. तो यहां से इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो आ गया माइनस वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया माइनस वन, तो मेरी जो लाइन थी वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप कितना आ गया भाई साहब, एम की वैल्यू कितनी हो गई वन, समझ रहे हैं ठीक. अब अगर m की वैल्यू वन हो गई तो लाइन बन गई बेसिकली x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ, अरे इसको y को इधर ले आया यार, x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैं कह रहा हूँ इसके सेंटर 3,0 से कोई भी लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, यानी कि उसके सेंटर 3,0 से उस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए, 3,0 से इस पे परपेंडिकुलर डाला 3 प्लस सी का मॉड अपॉन रूट अंडर 2 गुड इज इक्वल्स टू 1, सी प्लस 3 बराबर प्लस माइनस रूट 2, सी बराबर माइनस 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3 माइनस रूट 2, ऐसा लगा जैसे किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, लग रहा है, देखो सी की क्वाड्रेटिक निकालनी है, सी की दो वैल्यूज आ चुकी है, अगर मैं इनका सम, सम आ जाएगा भैया माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स ठीक है, तो प्लस सिक्स वाले आंसर है भैया, यानी कि आंसर आगरा और कैलकटा में से प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो बस खत्म हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट आया 9 - 2 यानी कि 7, तो प्लस का 7 प्लस का 7, सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज दिस आगरा, सही है, अरे सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व फिनिश सिंपल ठीक है. दिस इज अगेन एन इजी प्रॉब्लम जो कि अपने से होनी चाहिए थी ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ठीक. नेक्स्ट देखें, कॉनिक सेक्शन पेश करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ठीक है, हाइपरबोला. अभी तक क्या अगर चार सेक्शंस की बात करें, 7th जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, 7th जनवरी इवनिंग शिफ्ट, 8th जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, 8th जनवरी इवनिंग शिफ्ट, हाइपरबोला का एज सच सो कॉल्ड हाइपरबोला की अगर मैं बात करूँ तो ये पहला क्वेश्चन ठीक है. एलिप्स क्या हैं, पैराबोला क्या है, पैराबोला के तो खैर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, हाइपरबोला का ये पहला क्वेश्चन ठीक है ओके. क्या बोल रहा है, इफ़ अ हाइपरबोला हैज़ वर्टाइसेस प्लस माइनस 6,0, क्योंकि इसके हाइपरबोला के इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो भैया देखो मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, आपके पास है तो आप सोचो, मेरे पास तो नहीं, मैं तो यही मानूंगा ठीक है. वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट इसने प्लस माइनस 6,0 दे रखे हैं, यानी कि इसने ए की वैल्यू दे दी भैया 6, तो ए स्क्वायर हो गया मेरा 36 ठीक है. तो इतनी तो मेरी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बी स्क्वायर निकालने के लिए इसने मेरे को एक और कंडीशन दे रखी है, भाई साहब 10,16 इस पे लाया करता है, ठोक देते हैं, रख दें, पुट कर दें, क्या बन गया भाई साहब 100 अपॉन 36, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रखना है 16 का स्क्वायर इज 256 अपॉन बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, 16 - 36 हो गया भाई साहब 64 अपॉन 36 इज इक्वल टू 256 अपॉन बी स्क्वायर, ये 16 से गया 16, ये 16 से गया 4, ये 4 से गया 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 144
ये बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई भाई साहब। अब मेरा हाइपरबोला हो गया कंप्लीट, हो गया। चलिए अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब नॉर्मल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखने को बोला जाता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ी बहुत की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है यदि हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन की वैल्यू रख के आंसर नहीं निकाल पा रहे तो। ठीक है, प्लीज़ इतना तो कम से कम खुद से करो यार, कुछ तो शर्म करो। तो करेक्ट आंसर बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इज़ आगरा, कि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो कम से कम आप उसे रेक्टिफाई कर पाए। फाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल टेंजेंट नॉर्मल का। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन मेरे को, नॉर्मल एट 2.2, 2.2 पे नॉर्मल बनाया गया भाई साहब, टू द कर्व, इस कर्व के लिए नॉर्मल बनाया गया 2.2, उसको एल नाम दे दिया गया। देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन एल। तो बेसिकली मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद तो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मुला निकाल लगा के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नॉर्मल निकालने, नॉर्मल निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करके 2.2 को इसमें रख दो, सिंपल टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, इसे डिफ्रेंशिएट किया कर्व की इक्वेशन को, तो ये आ गया 2x प्लस 2xy को करूंगा तो आएगा 2x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस 2y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3y स्क्वायर का हो जाएगा 6y y डैश इज इक्वल टू 0। सही है, चलिए इसमें x और y की जगह क्या रखना है, 2.2 रख दो भैया, तो ये हो जाएगा 2 2 2, तो कट गया, चलो हटाओ पहले तो ये तो काट लो। ठीक है, 2.2 रख रहा हूँ भैया, देख लो जरा, तो 2 प्लस 2y डैश प्लस यहाँ भी 2 रखना है माइनस यहाँ भी 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 6y डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया y डैश इज इक्वल टू आ गया 1। इसे कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। सही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपको नॉर्मल का मतलब आपको उस लाइन का स्लोप पता पड़ गया, जौन सी लाइन आपको बनानी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, तो सभी करते हैं रे आप, तो इस स्लोप को देख के दिल में यह ख्याल लाओ कि आपकी लाइन हो ना हो है तो इसी फॉर्मेट की, x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्बडा। चूंकि ये 2.2 से पास हो रही है तो लैम्बडा भी डायरेक्ट पता होना चाहिए, कितना 4। अब 2.2 ही तो रखा है, कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया, 0.0 से इस पे परपेंडिकुलर डाल के आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 0.0 माइनस 4 मॉड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और वाई के कोफिशिएंट से स्क्वायर का सम विच इज 2, तो 4 अपॉन रूट 2 दैट इज इक्वल टू 2√। दिस इज द आंसर, सो कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ईजी वाले सेक्शन में अपन लोग इसे डालेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे, टेंजेंट का स्लोप आ गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, नॉर्मल का स्लोप आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी, 0.0 से परपेंडिकुलर डाल दिया, फिनिश। सही है, 4 नंबर श्योर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके सामने ली गई है, दैट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि जो इंटीग्रेंट हमें दिया होता है या तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही होती है, ठीक है, और या फिर इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरे को नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए पड़ेगा, मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन देख के भी साफ साफ लग रहा है कि इसका इंटरेस्ट सिर्फ एस्टिमेशन में, कहाँ से कहाँ, अगर आप इसकी रेंज भी बता पा रहे हैं तो क्वेश्चन खुश है भाई साहब आपसे। ठीक है, वो इससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, फाइन। ठीक, तो सुनिए, ऐसे केस में जो आपको सिखाया गया होगा वो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने इंटीग्रेंट को एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, ठीक है, और 1 से 2 के बीच में देखिए इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस टाइप का बिहेवियर है, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू है टाइप्स। ठीक है, तो मैंने इसे एफ एक्स मान लिया, एफ ऑफ एक्स मान के 1 से 2 में अगर मुझे इसका बिहेवियर देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस टाइप का, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, सिंपल सी बात है। तो एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है वो समथिंग रेज टू द पावर -1/2, करेक्ट है। ठीक, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा भाई साहब -1/2 दिस रेज टू द पावर -1/2 -1 यानी कि -3/2। तो नीचे चला गया भाई साहब 2x³ से लेके माइनस से लेके +4 रेज टू द पावर 3/2,
और ऊपर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन देख लो भाई साहब, दैट इज 6x² - 18x + 12, सही चल रहा है, चलिए इज इक्वल टू कर दिया जीरो, या इज इक्वल टू जीरो करने की भी जरूरत नहीं है, चलिए कोई नहीं, बड़े हो गए अब तो आप, ये 6 कॉमन आया, 2 कटा, माइनस टाइम 3, ये बनेगा x² - 3x + 2, फैक्टर हो गए x - 1 × x - 2, क्रिटिकल पॉइंट ऑटोमेटिकली 1 और 2 आए हैं, है ना, नीचे समथिंग रेज टू द पावर 3/2, नीचे वाले में फिलहाल मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऊपर जो है 1 और 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, तो 1 और 2 पे जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आने वाली थी, मैंने ज़्यादा दिमाग बिना लगाते हुए x की जगह 1 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया, हटा, रख ही सकते हैं इसके अंदर डायरेक्ट, 1 रखो, देखो 2, 14, 14 और 18, 18 माइनस 9, 9, 9 का रूट 3, तो ये हो गया 1/3, 2 रखा, ठीक है, 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 क्यूब 8, 8 2 जा 16, माइनस 2, 2 जा 4, 9, 4 जा 36, प्लस 12, 2 जा 24, प्लस 4, 16, 4, 20, 44, 36, 1/√8, ये आ गई भैया F2 की वैल्यू, नेचुरली ये वाली जो वैल्यू वो बड़ी है, ये छोटा है, अबे रूट एट है ना भाई, 3 से छोटा है ना, तो ये क्वांटिटी बड़ी हुई, तो भैया सीधी सी बात है, क्या देख लो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/3, ये छोटी है ना, नहीं ये छोटी, हाँ तो 1/3 से तो बड़ा है और 1/√8 से छोटा है 1 से 2 के बीच में, तो अगर इन्हें इंटीग्रेट करते हैं 1 से 2 के बीच में, ये बन जाएगा मेरा आई, समझ रहे हैं, इधर आ गया 1/3, इधर आ जाएगा 1/√8, ऐसा किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया था, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया 1/9 और 1/8, सही है, सो द करेक्ट आंसर इज आगरा, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ए स्टैंडर्ड ऑल्सो, अगर आप मुझे कभी भी किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का एस्टिमेशन करना है तो मैं बीच वाले फंक्शन को एफ एक्स मान के उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने को के उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में उसे बांध के उसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, ये एक तरीका है, फाइन, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।